Also, you shared a great camaraderie with Sonali Bendreji since, you know, she has revealed her battle with cancer. Did you have any conversation with her or something? That I don't want to talk. Also, you shared a great camaraderie with Sonali Bendreji since, you know, she has revealed her battle with cancer. Did you have any conversation with her or something? That I don't want to talk. सोनू सूद से लड़ लेते हैं, हम कभी प्रकाश राज से लड़ लेते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े विलन से लड़ते हैं, मौत से लड़ते हैं और मौत को मात दे देते हैं ये। सो ऑब्वियसली वाला ये जानता है कि मैं इनको दे रहा हूं क्योंकि ये दे विल बी एबल टू ओवरकम इट एंड दे विल सर्वाइव। ऐसी एनर्जी होती है जब हम लोग जाते हैं मिलने को उनसे, ये जब आते हैं हमसे मिलने के लिए। बीमार वो हैं लेकिन उनके चेहरे पर खुशी है, सेटिस्फैक्शन है। ऐसा लगता है कि जो हम उनको देखते हैं ऐसा लगता है हम बीमार हैं, ये बीमारी नहीं है यार ये। और ऐसे केसेस आए हमारे पास जो कि बोलते हैं कि बस लास्ट स्टेज, और उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। दीज आर द रियल हीरोज। इन सब के लिए तालियां। मैम, हाल ही में सोनाली बेंद्रे का एक स्टेटमेंट आया है। यस, आई नो अबाउट दिस। अबाउट कैंसर। आई नो दैट। मैम, हाउ इमोशनल यू आर अबाउट दैट एंड व्हाट यू वांट टू से? आई मीन आई हैव नोन अबाउट इट फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड आई जस्ट वांट टू सेंड सोनाली लॉट्स ऑफ लव एंड स्ट्रेंथ एंड ऑल आवर प्रेयर्स। आई अडोर हर, आई लव हर। Big fan and she's a wonderful girl aur usme fighting spirit hai, I'm just praying that she fights this out and she's got prayers from all across the world with her, so just sending her lots of positive energy. But it just makes you realize that sometimes we believe that we're leading a really fit lifestyle and people who are super fit kabhi kabhi wo choti choti cheeze ignore kar bhi lete hain and you don't even realize. So it's so important to take care of your health, to be tuned into your body. We'll be working most of our life, but you've got to pay attention to your diet, to your sleep, to everything. You know, to do the best you can to stay fit, and then if something goes wrong, God forbid, then you just have to be a fighter, and I know Sonali's a fighter. One last question, okay? पहली बात तो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ बिकॉज सोनाली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस। वो बहुत अच्छी इंसान है और मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि यू नो गॉड गिव हर एंड हर फैमिली स्ट्रेंथ, ऑल माय प्रेयर्स आर विद हर एंड आई होप हर अ स्पीडी रिकवरी। मैम,
बाइट भी लेना है क्या बोल रही हूँ वी शुड ऑलवेज प्रे फॉर पीपल एंड गुड हेल्थ यू नो सो इफ हेल्थ इज नॉट यू नो द बेस्ट एट दिस पॉइंट आई थिंक इट इज येस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रे नॉट जस्ट आई थिंक फॉर पीपल हु यू नो आई थिंक एवरी डे इन फैक्ट दैट्स अ स्मॉल लिटल प्रेयर आई से फॉर माई सेल्फ एंड फॉर एवरी वन अराउंड मी आई से दिस आई ऑलवेज बिलीव दैट देर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन पीस ऑफ माइंड एंड बींग हेल्दी एंड येस आई थिंक द लास्ट कपल ऑफ वीक्स हैव बिन इमोशनली चैलेंजिंग बट Yeah, I think we all should say a little prayer. I have no words. जैसे कि मैंने मेरे ट्वीट में लिखा था I'm speechless. और जब हम ये महसूस कर रहे हैं तो उनकी फैमिली क्या फील कर रही होगी हम इमेजिन भी नहीं बातें बनाना बहुत सारे स्टोरीज कुक करना बहुत ईजी है बट उनके फैमिली पे क्या बीत रही होगी हम में से कोई नहीं समझ ही नहीं सकता है इवन इफ वी से वी अंडरस्टैंड वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी खबर सुन के बट मेरा ये मानना है कि फेथ कभी लूज नहीं करना चाहिए तो आई रियली हैव फेथ मैंने फेथ को छोड़ा नहीं है बिल्कुल मैं थोड़ी न्यूज़पेपर वाली या फिर इंटरनेट वाली नहीं हूँ मैं इंस्टाग्राम पे अपने फोटो डालती रहती हूँ सो हर्ष बहुत ज़्यादा पेपर न्यूज़ बहुत पढ़ते हैं उसने मुझे बताया सो ये बहुत मतलब दुख की बात है इतने अच्छे सीनियर एक्टर हैं